नमस्कार। योपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। मेरी आवाज़ थोड़ी आज कमज़ोर निकलेगी, शरीर ठीक नहीं है, कपड़ा पहन लेने से थोड़ा ठीक दिखता है, लेकिन आवाज़ में दम नहीं है। तो या तो अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लेंगे आप, और चूंकि बहुत दिनों से मैं एब्सेंट हूँ और बहुत लोग फोन आ रहे हैं, इसलिए आज आया हूँ। नहीं तो एक सप्ताह के बाद आने की बात थी, ऑलरेडी देर हो चुका है। तो आज इसलिए आया हूँ कि कुछ ग्लोबल चीजें बहुत सही नहीं चल रही हैं। इसी का थोड़ा सा पूर्वाभास देने के लिए भी मैं आया हूँ। और आने वाला जो महीना जुलाई है, वो भी घटना से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं इसमें संभव हैं। तो थोड़ी बहुत कुछ बातें बोलना चाहता था, और नेचुरल जो राशि फल है उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। और एक बात मैं बता चुका हूँ कि सूरज के द्वारा जब तक सूरज चेंज नहीं करेंगे, जैसे जुलाई 15 को सूरज चेंज करेंगे, तो 15 दिन का तो आप एक बार सूरज को चेक कर लेंगे तो आपको अंदाज लगेगा कि आपकी मान मर्यादा और रुतबा शरीर वगैरह कैसे रहेंगे। तो जरूर चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? तो सूरज को टीम में डाल दीजिए, टारगेट में सूरज डाल दीजिए, उसके हिसाब से कीजिए। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, आज का तारीख है 1 जुलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, 1 जुलाई 2023, और इस तारीख को नक्षत्र है अनुराधा। तो जो 1 तारीख का मैं राशि फल बताऊंगा, तो हमको अनुराधा को टी टारगेट पर रखना होगा। ये गोल बनाया एक, इसमें ये बीच वाला जो है इसको टी लिख दिया, टी के नीचे अनुराधा लिख दिया, अनुराधा के नीचे शनि लिख दिया, और ये जन्म तारा हो गए। आज का नक्षत्र, 1 तारीख का नक्षत्र अनुराधा, अनुराधा के स्वामी शनि, दोनों को लिख दिया, और टी जहां लिखा हूं वहां पर जन्म तारा लिख दिया मैंने। अनुराधा इज माय जन्म तारा, शनि इज जन्म तारा। शनि के 3 नक्षत्र जन्म तारा हैं। तो उसी तरह से सूरज जिस नक्षत्र में रहेंगे, जब तक चेंज नहीं कर रहे हैं, सूरज जब तक 3 में है, तब तक 14 या 15 तारीख तक है 3 में, तब तक का आप जानकारी यहाँ पर शनि के जगह में सूरज लिखिए, सूरज जिस नक्षत्र में रहेंगे वो नक्षत्र लिखिए, और यहाँ जन्म लिखिए। इसके बाद जैसे यहाँ पर शनि है तो इसको 9 टुकड़े में काटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, तो ये जन्म तारा हुआ। देखिए, अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज करके ये बेसिक चीज पूछ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। जन्म तारा हुए, ये संपत तारा हुए, विपत तारा, ये क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र लिख दीजिए जैसे हमने लिखा है, ठीक है। और शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ग्रह, शनि लिख दीजिए। तो ऐसे एक पिक्चर बना लीजिए, गोल बना करके कर लीजिए, तो आराम से हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। हमने तो यही तो मैं बताता ही हूँ रोज, लेकिन
जुलाई महीने का जो चक्र है वो थोड़ा ठीक नहीं है। जुलाई महीने में देखिए, 1 जुलाई के बाद बोल रहा हूँ, सूरज और बुध 14 डिग्री में है एक साथ, तो ये बुध जल गए हैं, पूरा कंप्लीट जल गए हैं, बर्न कंडीशन में है। 1 जुलाई को देखिए पंचांग में, सूरज 14 डिग्री में है और बुध भी 14 डिग्री में है, बिल्कुल जले हुए हैं, ना कि एक दूसरे से 12-14 डिग्री रहने के बाद बुध जलते नहीं है, लेकिन यहाँ तो पूरे के पूरे जल गए। शुक्र 4 में है और मंगल 5 में है, दोनों का डिफरेंस हो गया है। पहले एक साथ संयुक्त चल रहे थे सूरज और मंगल, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं, इंक्लूडिंग जो आजकल धोखे से शादी करके और प्राण लेने की जो बात है, उसमें थोड़ी कमी आएगी 6 तारीख तक। 6 तारीख के बाद फिर कुछ कुचक्र हो सकता है, कारण कि मंगल और शुक्र फिर एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे 6 तारीख के बाद से। तो अगेन मंगल शुक्र की युति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। किसी के भी, आपके भी कुंडली में, मेरे कुंडली में, किसी के भी कुंडली में यदि एक जगह मंगल और शुक्र हो और वहां पर 4 नंबर लिखा हो, तो समझ लीजिए कि आपको काफी कष्ट होगा। औरतों के द्वारा, छोटे भाइयों के द्वारा, भूमि के कारण, जमीन के कारण, स्त्रियों के कारण काफी कष्ट होंगे। तो मन को पहले से परिपक्व करके, ईश्वर के प्रति आधारित करके यदि जीना चाहेंगे तो संभव है, लेकिन यदि भगवान के ऐसा रसिया बन जाइएगा तब तो आप एकदम पतित स्थिति में आ जाएंगे। ठीक ठीक नहीं है। शादी ब्याह का समय है, आप देखे, यदि आप बेटे या बेटी की शादी हो रही है और अपोजिट साइड में यदि मंगल शुक्र की युति चाहे लड़की के कुंडली में हो चाहे लड़के के कुंडली में, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, दिस क्रिएट्स एपेटाइट ऑफ सेक्स। जिसके भी कुंडली में मंगल शुक्र हो, आप स्पष्ट जान लो कि आपके मन में एपेटाइट ऑफ सेक्स बहुत होगा। और यदि आपके दोस्त थोड़े गंदे हैं, पतित हैं, बेईमान हैं, नीच हैं, घटिया हैं, औरतों के प्रति श्रद्धा नहीं है, मातृभाव नहीं है, बहन का भाव नहीं है, ऐसे आदमी के संपर्क में यदि आप आ गए तो आपका पतन सत्य है, सत्य है, सत्य होगा। तो शुरू से ही परदारे सु मातृवत, कोई भी छोटी बच्ची से लेकर के कोई भी हो, भगवान के मूरत देखिए, भगवान की मूरत देखिए। तब तो कल्याण है, नहीं तो एक बार आपका सेक्स जग गया और आप पतित हो गए तो फिर लौटने का रास्ता नहीं है, जल्दी बहुत कठिन है। तो पहले से ही यदि आप अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं तो सेक्स को मातृ रूप में देखिए, माता को देखिए। जब कभी भी आपके मन में कोई दुर्भावना उत्पन्न हो तो भगवान शंकर पार्वती का ध्यान कीजिए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, सारी चीजें शांत हो जाएंगी, सारी चीजें शांत हो जाएंगी। मन में एक बार माता पिता का ध्यान कर लीजिए ना, भगवान शंकर और पार्वती का ध्यान कर लीजिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान कर लीजिए, बिल्कुल मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। लेकिन मनुष्य को गिराने वाला जो सबसे बड़ा चीज है वो अहंकार है, और इसको प्रतिपादित करने वाले, बढ़ाने वाले, इस आग को हवा देने वाले मित्र होते हैं। मित्र नहीं मिलते हैं, जैसे आजकल भद्रलोक नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं भद्रलोक, जो ऊपर से लेके सिर से लेके पैर तक भद्र हैं, उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा चाल चलन आचार व्यवहार सब कुछ पवित्र हो, वो भद्र लोग होते हैं।
वैसी बात हो, कारण इतना क्यों बोल रहा हूँ, कारण कि मंगल शुक्र की युति में मैंने पिछले बार भी देखा है, बहुत सारी स्थितियां अभी भी देख रहा हूं। एक तो इस पर ध्यान दीजिएगा, जुलाई महीने में फिर कुछ समय तक रहेंगे एक साथ, और दूसरी बात है इसमें शुक्र और शनि षडाष्टक हैं, चंद्रमा गुरु राहु, चंद्रमा से गुरु राहु षडाष्टक हैं, चंद्रमा से सूरज बुध भी षडाष्टक हैं। बहुत सारे ग्रह षडाष्टक में पड़ जाने से भी उस महीने की स्थिति बहुत खराब होती है। द्वि द्वादश में देखिए, मंगल और शुक्र द्वि द्वादश है, शुक्र से सूरज और बुध द्वि द्वादश है, चंद्रमा केतु द्वि द्वादश में पड़े हुए हैं। सो दिस इज नॉट गिविंग ए गुड पोजिशन। देखिए मैं पहले ये सब चीज नहीं बोलता था, धीरे 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 मैं इन सब चीजों को भी बताने लग गया, नहीं तो मेरा तो काम है सीधा बोल दूं कि अच्छा हाँ ये सूरज के तीन नक्षत्र में जो है उनका समय ऐसा है, मंगल का ऐसा है, ये तो बोल के खत्म कर। शरीर ठीक नहीं है फिर भी मैं खड़ा होकर के बताना इसलिए कह रहा हूं कि जुलाई महीना भी बहुत बढ़िया महीना नहीं है। देखिए चीन, जापान, सुनिएगा ध्यान से, चीन, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान और भारतवर्ष का पहाड़ी क्षेत्र, ये अभी भी रक्त रंजित है, अभी भी कष्ट में है, पड़ा हुआ है, इनके यहां युद्ध परेशानी अकाल बारिश बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। चीन, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान और भारत के पहाड़ी क्षेत्र, जुलाई महीना में ये सारे भी विपरीत परिस्थितियों में रहेंगे। और इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए कि जुलाई महीने में, मेरी बात गलत हो जाए जो बोल रहा हूं, संभव है कि छत्र भंग हो, मंत्रिमंडल टूट जाए, नए इलेक्शन हो, किसी राजा की मृत्यु हो जाए, किसी बड़े बड़े लोगों की जान पर बने। महीना ठीक नहीं है, इसलिए जो लोग हमारे यहाँ खुफिया विभाग में हैं उन लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि राजा की रक्षा करना आपका काम है, ध्यान दीजिएगा, चौकस रहिएगा। जो लोग सुरक्षा में हैं हमारे राजाओं के, अब बार बार मैं राजा ही बोल रहा हूं, मंत्रियों का नाम नहीं ले रहा हूं, मंत्रिमंडल की बात और ना तो प्रधानमंत्री और ना तो होम मिनिस्टर ना और किसी मिनिस्टर की बात बोल रहा हूं, मैं सिर्फ राजा की बात बोल रहा हूं। राजा की बात इसलिए बोल रहा हूं कि राजा वही होते हैं जिनको अपने प्रजा की देखरेख करनी होती है, इसमें थोड़ी संकट है, संकट है थोड़ा। जो लोग या जो विद्वान मेरी बात सुन भी रहे होंगे, तो मैं तो सबसे ज्यादा डरता हूँ विद्वानों से, बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता लेकिन, और अस्पष्ट करना भी नहीं चाहता। जैसे यदि आपने बीजेपी की कुंडली बनाई होगी, आपके पास होगी, तो आप देखेंगे कि बीजेपी को बहुत स्ट्रगल करना है, बहुत ही स्ट्रगल करना है, कुछ भी उल्टे पलटे हो सकते हैं। और वो राजाएं जिनकी कुंडली में
बेसिक कुंडली में कुछ ग्रह नीच हो, खास करके मंगल हो, केतु हो, ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं, अच्छे स्थिति में नहीं पड़े हुए हैं, जिनका लग्नेश अष्टम भाव में पहुंचा हुआ है और जिनके साथ पापक ग्रह जुड़े हुए हैं, या लग्न को चार पांच पापक ग्रह देख रहे हैं जिसमें केतु और मंगल भी जरूर हो, तो आप पर घात लगा करके अटैक किया जा सकता है। तो जो खुफिया तंत्र के लोग हैं, जो सुरक्षा तंत्र के लोग हैं, उनको मेरा प्रणाम है और अनुरोध है कि भारतवर्ष की रक्षा जो कर रहे हैं उनकी रक्षा करना आपका काम है। जो लोग भारतवर्ष की रक्षा कर रहे हैं, मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, उनकी रक्षा करना आपका काम है। कृपया पूरे मन योग से सेवा करें। और जिनके कुंडली में हमने कहा कि यदि मंगल नीच का है या चार नंबर में मंगल हो, साथ में केतु हो, मतलब ऐसी चीज ना हो जिससे कि आपके ऊपर कोई आघात प्रतिघात हो सकता है। सभी लोग कुंडली दिखलाते हैं, सब बोलते हैं कि मुझे, मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, आप जो भी बाहर से जो अपने को करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन कृपा करके आप अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। इमोशन में आकर के जो परंपराओं हो तोड़ करके आप पब्लिक में मत घुस जाइए और सतर्क रहिए। सतर्क रख के दुश्मन किसी भी वेश में आ सकते हैं, दुश्मन किसी भी वेश में आ सकते हैं, इसलिए जुलाई का महीना सुरक्षा का महीना होना चाहिए। तो छत्र भंग भी है, राजा की जान पर खतरा भी है, इस सारी चीजों पर मैं तो कुछ चीजें होती हैं जो बोली नहीं जाती हैं, इशारे से समझी जाती है। जुलाई महीना थोड़ा सा अच्छा नहीं, इसमें भूकंप होना, अननेचुरल चीजें होना, थोड़ा अधिक आकार का भी हो सकता है जिसमें जान मान की हानि हो सकती है, हानि हो सकती है। तो विशेष ध्यान रखिएगा। और ये जो नक्षत्र सिद्धांत से हम बताते हैं, इसकी को महत्ता दीजिए। जैसे देखिए, बुध और सूरज 14 डिग्री में है, मतलब एकदम सेम टू सेम डिग्री में है। बुध की स्थिति दयनीय है, मर गया है, हाथी मर गया। रावण संहिता में ही हमने अकेले पढ़ा है कि मरे हुए ग्रह भी जो जल गए हैं वो भी कम से कम आधा फल तो जरूर देते हैं। होगा वो सतयुग की बात होगी और त्रेता की बात होगी, कलयुग में हमको नहीं दिखता है कि ऐसा संभव है। जो ग्रह जल गए हैं वो पापक ग्रह हो गए, पाप ग्रह हो गए तो वो अपना बुरा रिजल्ट भी देंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जो ग्रह जल गए, अस्त हो गए, पाप ग्रहों से दृष्ट भी हो गए, कुछ भी हो गए तो पापी ग्रह हो ही गए, उनके द्वारा अनिष्ट होने की जरूरत है। अब यदि मान लिया ये बुध किसी का लग्नेश है, 6 नंबर का लग्न है, 3 नंबर का लग्न है, तो आपको तो अपना ध्यान विशेष रखना होगा ना, कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके प्राण जोखिम में आ जाए, शरीर जोखिम में आ जाए। मान लिया किसी का बुध अष्टमेश है, 3 नंबर या 6 नंबर अष्टम भाव में है, तो भी तो प्राण को खतरा है। एवं प्रकार है ना, बहुत सारी चीजें हैं। एस्ट्रोलॉजी में बोलूं तो बोलता रह जाऊं, मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं, आप अपने कुंडली को चेक करवाइए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए। अस्तु, अभी 12 राशियों में कर्क राशि सबसे कमजोर है, 12 राशियों में कर्क राशि सबसे कमजोर है,
बलहीन है, तो आपको सुरक्षित रहना जरूरी है। चोट लगना नहीं चाहिए शरीर में। गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से चलनी है। घर में भी काम कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहना है। शरीर को सुरक्षित रखिए और मन को सुरक्षित रखिए। डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। इसलिए कि चंद्रमा कमजोर है। 1 तारीख को चंद्रमा 8 नंबर में है, मतलब वो नीच होते हैं। लेकिन मैं एक बार मंगल और चंद्रमा के बारे में बताया था कि नीच होने पर भी चंद्रमा अशुभ नहीं होते, नीच होने पर भी मंगल अशुभ नहीं होते, लेकिन कुछ तो पाप प्रभाव पड़ेगा। अब कड़कड़ाहट की धूप में कितना भी छाता लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा तो गर्मी का आहास होगा आपको। बरसात में कैसे भी सुरक्षित होके चलेंगे, पैर तो भीगेगा आपका। तो काजल की कोठली में कैसे हूं समायो, काजल की एक रेखा लागी है पे लागी। अब शरीर को नेग्लेक्ट करेंगे, अपनी सुरक्षा को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपको एक रेखा लागी है पे लागी है, चोट तो लग जाएगी। सावधान। तो जब जब चंद्रमा आपके कुंडली में, मान लिया 2 नंबर में केतु है, तो चंद्रमा जब वृषभ राशि में रहेंगे तब आपका मन व्याकुल होगा। किसी के 7th हाउस में मंगल है तो चंद्रमा घूमते घूमते जब आपके 7th हाउस में जाएंगे तो आपका मानसिक बैलेंस बिगड़ा रहेगा, क्रोध अधिक रहेगा। तो ये तो आपको अपने से देखना होगा अपनी कुंडली में। देखिए, कोई भी आदमी इस पूरे विश्व के कुंडली को एक साथ कैसे बोल सकता है? हम तो आपको इशारा बता रहे हैं ना। जैसे चंद्रमा 1 तारीख को 8 में है तो ये माइनस है, माइनस है। मान लिया आपके कुंडली में 8 नंबर में ऑलरेडी केतु है तो चोट लग सकती है, इंजुरी हो सकता है। यदि मंगल है 8 नंबर में तो क्रोध आ सकता है, मन विचलित हो सकता है, आपके शब्द बिल्कुल गर्म निकलेंगे। मान लिया यदि उसमें राहु है 8 नंबर में और चंद्रमा वहां आ जाए तो मन में भय रहेगा, आपको धोखा दिया जा सकता है, आपके साथ छल कपट हो सकता है। मान लिया वहां सूरज है तो वहां पर चंद्रमा यदि घूमते घूमते आ जाते हैं तो आपके मान मर्यादा में वृद्धि होगी, यश की वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश मिल सकता है, सक्सेस रेट बढ़ेगा। यदि गुरु आ गए चंद्रमा के साथ 8 नंबर में, मिलते मिलते गुरु हैं वहां पर इस वर्ष, तो आपकी तो जय जयकार है। जब जब चंद्रमा गुरु को टच करेंगे तब तक आपका विजय होगा, सक्सेस बहुत हाई होगा, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा गज केसरी योग के ऐसा फल मिलेगा। तो इतना तो आपको देखना पड़ेगा ना। मैं तो आपको एक इशारा दे रहा हूं कि कैसे आप अपना कुंडली देखेंगे। यूपी मिश्रा पर मत वेट कीजिए, मत डिपेंड कीजिए, आप अपनी कुंडली खुद देखिए। कारण मेरी जिंदगी कब तक है मैं नहीं जानता और कोई भी नहीं जानता, लेकिन शरीर तो थक गया है। मन भले नहीं थका है लेकिन शरीर थक गया। बाबा के यहां जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जिस सज्जन ने मुझे भरोसा दिया उनको बहुत साधुवाद। उन्होंने एक व्यक्ति दिया जो हमेशा मेरा हाथ पकड़ करके रहेगा, एक व्यक्ति को दिया जो मेरे आगे आगे चलेगा, एक को और दिया जो मेरे पीछे चलेगा ताकि मैं भीड़ में मुझे धक्का ना लगे, मैं गिर ना जाऊं, और एक आदमी हाथ पकड़ के रखे।
और बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे भगवान के चरणों में मैं अपना शीश नवा चुका सका। और उसमें डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर साहब का जनेऊ भी था, जनेऊ का भी 20 तारीख को कार्य संपादित हो गया। मैंने अपने किसी रिश्तेदार को, किसी अपने को, कोई भी किन्हीं को खबर नहीं किया, कारण कि मैं शरीर से असमर्थ, आर्थिक स्थिति से असमर्थ, कुछ करने के पोजीशन में नहीं था। असल में सीधा बच्चे को लेकर के बाबा धाम चला गया, काशी विश्वनाथ के शरण में चले गए, वहां पर जनेऊ करा करके चला आया। मेरी स्थिति इसके लायक भी नहीं थी। तो जितने लोग रुष्ट हैं, मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरी ऐसी स्थिति है। अभी मैं आर्थिक रूप से भी कमजोर हूँ, शारीरिक रूप से तो हूँ ही। तीन व्यक्ति यदि मेरे साथ मुझे नहीं पकड़ते तो मैं तो चलने के लायक नहीं। आज भी कपड़े पहन लिया हूँ तो आपको लगता होगा मिश्रा जी स्वस्थ नहीं। माया लेफ्ट साइड, रीढ़ के लेफ्ट साइड, इस साइड में कुछ अधिक दर्द हो रहा है, कुछ अधिक दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे झुकने तक में कष्ट हो रहा है। तो कितने दिन तक रोऊंगा, साहस बांध करके तो आना ही पड़ता है। अभी चल फिर नहीं कर पा रहा हूँ, घर के अंदर नहीं हूँ, नीचे सीढ़ी नहीं करता हूँ, वॉकिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लोकलाइज्ड हूं मैं अपने कुर्सी तक। तो इतना जरूर कुंडली जब भी रीड कीजिए अपना, तो षडाष्टक देख लीजिए, दुई द्वादश देख लीजिए, इतना तो देख लीजिए। अब जैसे मैंने बुध के बारे में कहा कि जला हुआ है, तो बुध के रिजल्ट तो अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर जब मैं देख रहा हूं नक्षत्र सिद्धांत में, तो बुध संपत तारा में पड़ रहे हैं। जिनका बुध के तीन नक्षत्र में जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, उनके लिए तो 1 जुलाई संपत तारा में पड़ता है, मतलब आपको कुछ मिलना है। इट इज अ पॉजिटिव डे फॉर यू, बट अनफॉर्चुनेटली सूरज और बुध इतने एग्जैक्टली 14 डिग्री पर है, तो बुध तो जल गए हैं। तो साहब, ये जो यहाँ पर संपत तारा का रिजल्ट है, वो आपको नहीं भी मिल सकता है, आपको कुंडली ये देखनी है। अब ये तो मैं सबके बारे में नहीं बता सकता ना, आपको खुद देखनी पड़ेगी, आपको खुद देखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मिश्रा जी का रिजल्ट तो मिलता नहीं, मिश्रा जी बोलते बढ़िया है लेकिन रिजल्ट तो नहीं मिलता है। सब ठीक है, मुझे कुछ आता होता नहीं है, मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ, इतनी सीख ली है। नो ग्लोरी टू यू पी मिश्रा, नथिंग, नॉट रिक्वायर्ड। मैंने कोई PhD नहीं किया एस्ट्रोलॉजी में, थोड़ा बहुत जानता हूं तो शेयर कर रहा हूं, जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू। I'm not teaching you, I'm just sharing my knowledge। और ब्राह्मणों का तो चरण पवित्र होता है ना, सभी ब्राह्मण जो जाति के ब्राह्मण हैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ, ज्ञान से भी जो हमसे बड़े हैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। कृपया जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा अधिक काम कर रहा हूँ ताकि वो समझ लें, नाराज आप लोग मत होइएगा। तो जैसे ये बुध संपत तारा में होने के बाद भी ये रिजल्ट बढ़िया नहीं देंगे, ये बात है। उसी तरह से ये गुरु राहु के साथ हैं, एकदम गज केसरी का ठीक उल्टा हो गया। गुरु चंडाल योग के ऐसा हो गया, तो
गुरु के तीन नक्षत्र में भी जिनका जन्म है, गुरु तो यहाँ पर परम मित्र में पड़े हुए हैं। देखिए थोड़ा मैं आगे बढ़ के थोड़ा बात कर रहा हूं, थोड़ा जहां तक बताया हूं उससे थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। अभी एक एक स्टेप आगे की बात, अब कारण कि मैं पक्का जान गया हूं कि इतना दिन से जो बता रहा हूं उतना तो आपको गम सुगम हो गया होगा, लेकिन अब आपको अपनी कुंडली में भी मिलाना पड़ेगा कि गुरु राहु के साथ है तो गुरु चंडाल योग की ऐसी स्थिति पड़ गई, तो गुरु परम मित्र में है तो हमको हाँ मिल सकता है, अच्छी चीजें हैं। गुरु परम मित्र में है तो मेरे लिए तो दिन अनुकूल है, 1 जुलाई का, या जब तक चंद्रमा शनि के घर में है। लेकिन राहु के साथ होने से थोड़ा धोखा होने की भी संभावना है, छल कपट प्रपंच की भी बात बनती है, इतना तो सावधान रहेंगे। हाँ दिन आपका अच्छा है और आप यदि सावधान है तो यह सत्य है, ये दिन अच्छा है आपका। लेकिन आप यदि अपने को एकदम भोला भाला, जो चाहे जो जैसे चाहे आपको चरा दे उस तरह से बनना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का ना प्रयोग करते हुए किसी और से कैरेड अवे हो रहे हैं, तो दुर्भाग्य है। भगवान ने हर आदमी को अपनी बुद्धि दी है, चींटी को भी दिया है, हाथी को भी दिया है, बाघ को भी दिया है, मनुष्य को भी दिया है, तो अपनी बुद्धि का तो उपयोग करना होगा। यदि आप अपने मन बुद्धि और चेतन अवस्था को यदि यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर जिंदगी चलाओगे कैसे? ये तो बहुत बड़ा हाथी पर एक महावत चलाता है, उसी तरह से पूरे शरीर को तो मन चला रहा है, मन ही चलाता है पूरे शरीर को। काम करने का मन नहीं है, आलस्य से पड़े हुए हैं, नहीं करना ही है मुझे, बाल बच्चों के लिए रोटी कमाना है, तो फिर आपकी चैतन्य अवस्था जो है आपको कार्य कराएगी। छल कपट से पैसा कमाना चाहते हो तो मन ही आपको देगा तर्क, गलत आप अपने हृदय में गलत तर्क ले लीजिएगा। किसी ने कहा पैसे मत कमाना, आदमी कमाना, मेरे माता पिता का वचन। तो इस चीज को आप चेक कर लीजिए, इसमें मैं बोल रहा हूं कि किस दिन आप बुद्धू बन जाएंगे, गुरु के साथ राहु है तो जब तक राहु रहेंगे और गुरु रहेंगे लंबे समय तक एक साथ रहेंगे, तब तक आपको सावधान रहना है। विजातीय लोगों से, जो आपके जाति बंधन के अंदर में नहीं आते, जाति से मेरा कास्ट से ही मीनिंग नहीं है, लेकिन विजातीय से मतलब है। विजातीय लोगों के द्वारा आपको धोखा दिया जा सकता है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, बालक है चाहे बालिकाएं हैं। आजकल तो कुछ देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से भारतवर्ष के लड़के को, लड़कियों को बेवकूफ बना करके एकदम गर्त में डाल दें। भारतवर्ष के धर्म का एक ही है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्पित हो मेरा मनुजकाय, यही तो धर्म है हमारा, यही तो चारों वेद हैं हमारे, यही तो 18 पुराण हैं हमारे, यही तो 108 ब्राह्मण ग्रंथ हैं हमारे, सारे ही है। तो आपकी कुंडली में आपको गाइड करेगा, यदि आप चैतन्य हैं, थोड़ा भी यदि आप अपने को कुंडली के हिसाब से जागृत करने तो आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। अब देखिए मंगल, मंगल सिंह राशि में है। मंगल तो आग, मंगल माने धधकता ज्वाला,
उल्का पिंड के ऐसा धधकता ज्वाला मंगल को बोलता है। और है कहाँ? सूरज के घर में। ये भी अग्नि, ये भी अग्नि। तो एक धधकता ज्वाला अग्नि के घर में पड़ा हुआ है, तो उसमें और अग्नि बढ़ गई। और सूरज की अग्नि छूने से जलती नहीं है हाथ। शरीर में सूरज की जो अग्नि है वो हमके हमारे अंदर में प्राण का संचार करते हैं। ये अग्नि निकल गई तो शरीर ठंडा हो गया, तो शांत हो गया शरीर, फिर दूसरा जन्म। इस जन्म की अग्नि निकल गई, शरीर शांत हो गया, ठंडा हो गया, दूसरा जन्म। तो ये मंगल जो धधकती ज्वाला है वो सूरज के घर में है, अग्नि के घर में है, तो और आग आ गया। और ये मंगल आपके लिए क्या है? बाधक तारा में, बध तारा में, मृत्यु के तारा में। तो जिनकी कुंडली में या जिनका जन्म मंगल के तीन नक्षत्र में हुआ है, चित्रा, धनिष्ठा, मृक्षरा, मंगल के तीन नक्षत्र हैं, इनमें जिनका जन्म हुआ है आपको सावधान रहना होगा। कारण कि मंगल ऑलरेडी बध तारा में पड़े हुए हैं, तो आपके आपकी गाड़ी में आग लग सकती है, आप इलेक्ट्रिक्यूट हो सकते हैं, किसी न किसी रूप में अग्नि से भय है, गर्म पानी से नुकसान हो जाएगा। आप कोका कोला, पेप्सी, शराब वगैरह पियोगे तो शरीर को नुकसान हो जाएगा। बध माने मृत्यु की ओर आपके शरीर को ले जा सकता है। ये सब गाइडेंस है। ये नहीं कि आपको धन मिल जाएगा, आपको ऐसा जाएगा तो वो किसको पान खिला दीजिए, किसी को रुमाल दे दीजिए, किसी को दान दे दीजिए, वो सब नहीं लिखा हुआ रहता है। सच मानिए वो सब टोटका नहीं लिखा रहता है। पूरा गाइडेंस लिखा हुआ है जो भगवान नौ ग्रह जो 33 करोड़ देवी देवता को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ लिखी रहती। अब यहाँ पर ये मंगल सूरज के घर में है, धधकती ज्वाला के घर में है, तो ऐसे कौन भगवान हो सकते हैं जो इतनी गर्मी को रिप्रेजेंट करते हो? धधकती ज्वाला, बताइए आप कौन भगवान हो सकते हैं? शंकर भगवान? ना, नहीं। हनुमान जी? असंभव। कौन भगवान एकदम धधकती ज्वाला को रिप्रेजेंट करेंगे, बताइए? क्या मंगल सूरज भगवान हो गए? ना। धधकती ज्वाला में नृसिंह भगवान आते हैं। जब खम्मा में हिरण्यकश्यप ने मारा, इसमें भी तुम्हारे भगवान है प्रहलाद? खंभा टूटा तो उससे भगवान निकले, ज्वलंतो सर्वतो मुखम, पूरे शरीर से ज्वाला निकल रही थी उनकी, पूरे शरीर से ज्वाला, मुंह से, आंख से, सांस से। वैसे भगवान नृसिंह भगवान अवतरित हुए, धधकते ज्वाला के बीच में प्रकट हुए। तो मान लिया किसी के कुंडली में मंगल हो और मृत्यु के घर में यदि आपके अष्टम भाव में है, तो क्या स्थिति है भी आपकी? कभी भी आपके अकाल मृत्यु हो सकती है अग्नि के, अग्नि तत्वों के कारण। सिर्फ आग से ही नहीं, करंट से ही नहीं, अग्नि तत्व दारू पीने से भी हो सकता है, कोका कोला पीने से भी हो सकता है, अदरक मिर्च मसाला से भी हो सकता है, वो आपके समझ की बात है। आपको बचना है अग्नि तत्व से। अब आप बोलिए कि नहीं, हम तो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ये तो उसमें नहीं लिखा हुआ है, हम बाकी सब बिजली से बचेंगे, आग से बचेंगे, अग्नि कुंड में या जल में, गर्म जल में नहीं जाएंगे, पेट्रोल से बचेंगे, केरोसिन तेल से बचेंगे सब, लेकिन हम दारू पिएंगे।
ये तो आप अपने को गाइड कीजिए ना, यहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजर गाइड नहीं करेगा, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं गाइड करेगा सर, आपकी अपनी अहम आपको गाइड करेगी और भगवान गाइड करेंगे। जैसे अभी आप देखिए मिथुन लग्न की कुंडली में अभी शनि यहां विराजमान है आपके भाग्य के घर में, और शनि जब 11 नंबर में रहते हैं तो 100% भगवान हनुमान को रिप्रेजेंट करते हैं, और शनि बर्फ को बोलते हैं, शीतल को बोलते हैं। तो शनि जब खुद आ जाए यहां पर तो शीतल हनुमान जी और रेट्रोगेट उल्टे चल रहे हैं, लंका से उल्टे आ रहे हैं या आ गए हैं। तो ऐसे भगवान जो एकदम शांत शीतल होकर के लंका कांड करने के बाद समुद्र में डूब करके अपनी अग्नि बुझा करके किनारे खड़े होकर के ध्यान करते हुए भगवान राम और सीता को ध्यान करते हुए खड़े हैं समुद्र के किनारे। समुद्र क्यों बोल रहा हूं, अष्टम भाव, 8th हाउस इज अ सी, समुद्र है या गहरी नदी जिसका जल कभी नहीं खाली होता। तो लॉजिक की बहुत कीमत एस्ट्रोलॉजी में, सही लॉजिक की बहुत कीमत। और आपको प्रत्यक्ष क्या प्रमाण, मैं ये बता रहा हूं कि यदि आपका लग्न 11 नंबर का है और उसमें शनि है तो शनि क्यों खड़े हनुमान जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी बात बता रहा हूं कि आपका लग्न में 11 नंबर है और उसमें शनि है तो आपके नाभि से नीचे जो पैर हैं वहां तक की लंबाई अधिक है और नाभि से यहां तक की लंबाई उससे छोटी है, चेक कर लो आप। ये बात सत्य है तो मेरी बात को सत्य मान लो, किसी से भी आपको अंदाज लगे तो कोई आदमी लंबा दिखाई दे रहा है तो माफ लीजिए, वो आदमी लंबा इसलिए है कि नीचे का पोर्शन बड़ा है, पैर बड़े हैं उसके। बिना प्रमाण के आप मिश्रा जी पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन सीखने के लिए तो कुछ जरूरी होता है, किसी पर श्रद्धा करनी पड़ती है। सीखिए तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म होगा सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, इसमें जिनका जन्म होगा उनके लिए समय थोड़ा बढ़िया नहीं है। बकझक मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, डिस्प्यूट मत कीजिए, आर्गुमेंट मत कीजिए, गुरुजनों को नाराज मत कीजिए, उनका अभिशाप मत लीजिए। और मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, चित्रा, धनिष्ठा और मृक्षरा, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने शरीर को किसी भी हालत में संकट में मत डालिए। और केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, अश्विनी, मघा, मूल, आप भी किसी प्रॉब्लम से जुड़ करके अपने को विपत्ति में मत डालिए। डोंट इन्वॉल्व इनटू ए सीरियस प्रॉब्लम, किसी भी किस्म का कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आ जाए। इसके अलावा और जितने ग्रह नक्षत्र होंगे वो सभी शुभ हैं। शनि के नक्षत्र वाले पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा में जिनका जन्म है, आपको एडिशनल अपने शरीर की रक्षा करनी है। शरीर को कुछ होगा नहीं लेकिन फिर भी रक्षा करनी। किसी के कुंडली में यदि मार्केस के रूप में बैठा हो या अष्टमेश भी हो गया हो या द्वितीयेश भी हो गया हो या एकादेश भी है शनि, तब भी थोड़ा कष्ट दे सकता है, इसलिए आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए। बाकी सभी नक्षत्र वालों के लिए ठीक है। आज यहीं तक, इति शुभम, तेहं दो।
अपने नाक के जो हाथ और अभी बोलने की सामर्थ्य में नहीं हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करूँगा। लेकिन मैं ये बताने के लिए ही खास करके कि जुलाई महीना बहुत बढ़िया नहीं है, चीन, अमेरिका, भारत, जापान और अफगानिस्तान सारे जोन इफेक्टिव हैं, बहुत कुछ हो सकता है, छत्रभंग हो सकता है, परेशानी हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, किसी बड़े आदमियों का दो का जिक्र है, बहुत सारी चीजें हैं। सावधान सावधान और सुरक्षित रहें। आज यही।